आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज हमारे साथ पैनल पर हैं राजस्थान से हैं राजाराम मीर जी जो शाजापुर बॉर्डर पर पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संभाल रहे हैं। साथ में राजेंद्र सिंधी एडवोकेट हैं हमारे साथ रेवाड़ी से जो एसयूसीआई के नेता हैं और रजवंत डेहनवाल जी हैं हमारे साथ इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता हैं और समय सिंह जी हमारे साथ हैं जो भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान हैं चटोनी ग्रुप से। तो एक बार सीधा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि आज जो हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। राजाराम जी क्या कहेंगे हिसार में हरियाणा के हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज होता है वो मुख्यमंत्री के विरोध करने जाते हैं किस तरीके से देखते हैं आप? कट्टर सरकार बदमाशी पे आई हुई है और ये बदमाशी शुरू से कर रहे हैं। ये छठा महीना पूरा होने जा रहा है और कट्टर सरकार कोई एक दिन भी किसी किसान के बारे में नहीं सोचा। ये कैसी सरकार है क्या ये सरकार सोच रही है क्या करना चाह रही है? किसानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, इससे ज्यादा जुल्म कोई नहीं कर रहे। सेंटर की सरकार जो है ये कट्टर द्वारा किसानों के साथ अन्याय करवा रहे हैं, जुल्म करवा रहे हैं, तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो ही कम है। आने वाले समय में इनको मालूम पड़ेगा कि जब तुम्हारे नीचे से जमीन निकल जाएगी यहाँ से वोट लेने जाएंगे तब इनको मालूम पड़ेगा कि किसानों पर लाठियां जो बार बार बरसाई थी बार बार किसानों पर झूठे केस बनाए तो उससे उस दिन इनको मालूम पड़ेगा कि किसान क्या चीज है और किसान के साथ अन्याय करने वाला नेता नेता नेतागिरी कैसे कर सकता है और किसानों से वोट कैसे लेगा वो मालूम पड़ेगा इनको। नहीं वोट तो लगातार इनकी सरकारें बन रही है हर जगह चुनाव ये जीत रहे हैं। बनगी जितनी बननी थी मैं ये कह रहा हूँ मोहन जी की जितनी बननी थी बनगी। अब ये सिर्फ असम में जिंदा इसलिए हो गए कि किसानों ने असम और ये पांडिचेरी नहीं गए। कारण क्या था कि वहां जाते थे ये बदनाम करते थे कि कांग्रेस के साथ मिल गए। हमने सिर्फ पश्चिम बंगाल में जोर लगाया किसान किसान मोर्चा ने तो बंगाल में इनका सफाया हो गया। तो वहां हम गए नहीं कि वहां कोई तीसरी पार्टी थी नहीं इसलिए कांग्रेस कमजोर पड़ी उसका फायदा इन्होंने उठाया। नहीं वो तो अभी भी सरकार तो अभी भी ये कह रही है कि कोरोना काल चल रहा है और देखिए कोरोना की क्या स्थिति है किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए किसान कर नहीं रहे हैं। किसान आंदोलन खत्म उस दिन करेंगे जिस दिन तीनों काले कानून कैंसिल हो जाएंगे एमएसपी कानून बन जाएगी किसानों का आंदोलन उस दिन खत्म होगा। किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा बीजेपी देश में खत्म हो जाएगी बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। जिस हिसाब से ये चल रहे हैं जो ये करते जा रहे हैं जो इनकी सोच और भावना है किसान के प्रति अन्याय कर रहे हैं। आज किसान रोडों पे 6 महीने होके पड़े हैं। हम आने वाले समय में 26 तारीख को मोदी के 7 साल और किसानों के 6 महीने आंदोलन के काला दिवस मनाना हमारा संयुक्त मोर्चा ने डिक्लेयर किया है। हम पूरे देश के अंदर काला दिवस किसान काला दिवस मनाएगा 26 मई को ये हमने तय कर रखा है और अगली मीटिंग में जो तय होगा ये यूपी और उत्तराखंड वो आपका ब्लू प्रिंट बना के दे रहे हैं कि ये संयुक्त किसान मोर्चा को हम डिक्लेयर करेंगे और वहां बीजेपी को जमीन में गाड़ेंगे तब इनको ये 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसका हमने ब्लू प्रिंट मांग लिया उन लोगों से यूपी वालों से वो तैयार करके देंगे। 26 का काला दिवस मनाने के बाद अगला टारगेट हमारा जो मीटिंग है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में तय हो जाएगा हमें क्या करना है। चलिए आज आपको जानकारी मिली है कौन कौन से किसान नेता को बांध का लाठी चार्ज हुआ बकायदा फायर प्ले गए गोली वहां चली है? मेरे को जानकारी अभी तक नहीं मिली। अच्छा नहीं मिली आपकी बात हुई हरियाणा के हिसार में जो किसान नेता है क्या क्या उनको कोई जानकारी? नहीं मेरी बात नहीं हुई। अच्छा मेरी बात नहीं। ठीक है हमारे साथ देखिए राजेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे आज जो हिसार में हुआ किस तरीके से देखते हैं उसको? मैं सबसे पहले मोहनलाल जी आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बड़े सामयिक मुद्दे के ऊपर आज ये गोष्ठी आयोजित की और हमारे बीच में राधाराम मेल और भाई सने सिंह और रजवंत डेहनवाल जो सभी आंदोलन के अगुवा साथी हैं जुड़े हुए हैं इसमें शामिल हैं। तो हिसार के अंदर ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार एक बात समझ लें कि जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ आए उस दिन से लेकर आज तक
हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी है और नियत है किसानों को टारगेट करने के ऊपर वो लगी हुई है। वो किसानों के खिलाफ एक घृणित प्रचार करने में लगे हुए हैं, कभी खालिस्तानी बताया, कभी आतंकी बताया, उनके रास्ते में विभिन्न तरह के रोड अटकाए, किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए, फिर ये कहा गया कि कोरोना आ गया, आप आंदोलन को वापस ले लो। अल्टीमेटली केंद्र और प्रांत की सरकार किसान आंदोलन को बर्बाद करने पर तुली हुई है और आज की जो कार्रवाई हुई वो घोर निंदनीय है, अलोकतांत्रिक है। वो किसानों के मौलिक अधिकार, उसके जनवादी अधिकारों का हनन है और ये प्रदेश का मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। और दुष्यंत चौटाला जिस काम से वोट मांग कर आया था उसने ये साबित कर दिया है कि टोटली किसान मजदूर विरोधी है। प्रदेश की जनता इसकी कड़े शब्द निंदा करती है। लोगों का अधिकार है अपना विरोध करने का, उनके अधिकार को महफूज रखना किसान आंदोलन का दायित्व बनता है और यह आंदोलन और भी तेज होगा। नहीं, इसमें एक चीज और निकल के आ रही है ना, आज जैसे हिसार में मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम था, आप लोगों ने कोई कॉल दी थी क्या कि भाई किसानों ने वहां उसका विरोध करेंगे, या जहां भी सरकार के कोई नेता या मंत्री मुख्यमंत्री कहीं भी जाएंगे तो उनका विरोध करोगे? ये आप, ये पहली बात तो है कि इसमें पहले से कॉल थी, ये आज की कॉल नहीं है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जहाँ भी और दूसरे इनके मंत्री जहाँ भी प्रदेश में जाएंगे उसका विरोध करना लोगों का अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है विरोध करना। ये जनप्रतिनिधि हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, इनका विरोध करना जनता का अधिकार है, जनता का। लेकिन लेकिन सरकार ये कह रही है ना कि भाई जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं किसानों को अपनी जिद छोड़नी चाहिए कि आंदोलन दोबारा भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री की पहले भी स्टेटमेंट आई कि आपने ध्यान होगा, मुख्यमंत्री कोरोना की आड़ में आंदोलन खत्म करना चाहता है, उसकी इंटेंशन ये है। नंबर एक बात, कोरोना की आड़ में ये कानून लेकर आए थे, काले कानून। नंबर दो बात, पिछले फर्स्ट वेव के अंदर 5 जून को काले कानून कोरोना की आड़ में लेकर आए थे, कोरोना की आड़ में किसान आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता वो आंदोलन में नहीं है, वो कोरोना से पीड़ित होकर के उनकी अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण उनकी डेथ क्यों हो रही है? क्या उसके लिए वो तो आंदोलन में नहीं गए? टीकरी बॉर्डर नहीं आए, शाजापुर बॉर्डर नहीं आए, वो तो कहीं बॉर्डर पर नहीं गए, वो गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं गए, सिंधु बॉर्डर पर नहीं गए, वो कहीं प्रदर्शन में नहीं गए। वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग वो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, उसके बावजूद उनको कोरोना क्यों है? रेवाड़ी, रेवाड़ी में 47.3% कोरोना फैला हुआ है। दूसरा आदमी रेवाड़ी में कोरोना से पीड़ित है, ये सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री केंद्र के आंकड़े हैं। क्या रेवाड़ी के लोग आंदोलन में पूर्ण रूप से शामिल है? तो फिर ये हरियाणा में टॉप का कैसे रेवाड़ी आया कोरोना के अंदर? क्या मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता इस बात का जवाब देंगे? इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। नहीं, वो तो चीजें निकल के आई ना कि अभी महाराष्ट्र, बंगाल में चुनाव थे, एक तरफ कुंभ हो रहा था, 5 राज्यों के चुनाव थे, तो तमाम चीजों से वहां कोरोना फैला है। यूपी के अंदर मेला का आयोजित करके, बंगाल में रैली करके उन्होंने इस कोरोना को बढ़ाया है, परंतु जबकि किसान आंदोलन इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। कोरोना एक महामारी, सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रांत सरकार की उदासीनता, लापरवाही, आपराधिक लापरवाही है इनकी इस कोरोना को फैलाने के लिए। चलिए, आपने अपनी बात कही राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र जी आपने बात की, समय सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? समय सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। समय सिंह जी नहीं सुन पा रहे। रजवन जी आपके पास आता हूं मैं। आज जो ये हिसार में हुआ, किस तरीके से देखते हैं इसको, घटनाक्रम को? देखिए, आज का जो ये मुद्दा लेके आए हैं, बड़ा ही जनरल, रजवन जी से आ रहा हूं आपके पास। जी, और
जो आज के जो घटनाक्रम हुआ है बेहद निंदनीय है, जितने कड़ो शब्दों में इनकी निंदा की जाए वो कम है। आज एक तरफ इस महामारी में खुद सरकार गाइडलाइन देती है कि अंतिम संस्कार में 11 आदमी, शादी में 11 आदमी, और मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं सैकड़ों सैकड़ों आदमियों के साथ, और फिर अगर किसान का विरोध कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है। क्यों, क्या ये कानून सरकार के मुख्यमंत्री पे, नेताओं पे, मंत्रियों पर लागू नहीं होता? आम जनता पर ही सारे कानून लागू क्यों होते हैं? दूसरी बात ये है, एक बार मैं पहले भी ये चीज कह चुका हूं और आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये सरकार की नीति यही है कि भाई को भाई से लड़ाओ, बाप को बेटे से लड़ाओ। आज एक बार फिर बेटे से बाप को पिटवाने का काम किया है, क्योंकि जो लाठी चार्ज करने वाले पुलिस कर्मचारी हैं, फौजी हैं, वो किसी मंत्रियों के, नेताओं के बच्चे नहीं है, वो गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं, और आज उन्हीं से ही उन्हीं के माँ बाप पे, उनके दादाओं पर और लाठी चार्ज करवाया है। ये हरियाणा की जनता कभी भूलेगी नहीं। और मनोहर लाल खट्टर जी को मैं एक चीज के बारे में और बता देता हूं कि इससे पहले भी हालात ऐसे थे कि मुख्यमंत्री या प्रदेश का कोई भी मंत्री अगर कहीं पर जा रहा था तो सरकार का विरोध करने के लिए किसान वहां पे पहुंच जाते थे। कोई गलत नहीं पहुंच रहे, क्यों? क्योंकि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए वहां पे जाते थे। वो चाहते थे कि हमारे जो ये तीन कानून, जो काले कानून थोपे गए हैं, उन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए। और जब उनके कार्यक्रम विफल होते दिखे तो ये लॉकडाउन की बात आ गई, और लॉकडाउन में मुख्यमंत्री जी ने आनंद फानंद में हर जिले में कार्यक्रम आयोजित कर दिए कि मैं कोरोना के लिए, मैं माहौल देखने के लिए या मैं स्थिति को संभालने के लिए वहां पर आया हूं। लेकिन आज जो जिस प्रकार से वो कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, इस कार्यक्रम आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। इंटरनेट, आज सोशल मीडिया का जमाना है, वो लाइव होकर भी किसी भी कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसानों को जो लाठियां पिटवाने, ये पहले से एक प्लान होता है कि किसानों पर अगर किसान वहां पे विरोध करने के लिए आए तो उनको किसी न किसी तरह दमनकारी नीति से, और उनका दमन करो, किसी न किसी तरह से इस आंदोलन को खत्म करो। ये सरकार की नीति है और ये अपनी नीति में कभी कामयाब नहीं होंगे। इनकी मंशा मैं ये कह रहा हूँ, सरकार तो ये कह रही है ना कि मुख्यमंत्री हर जिले में जा रहे हैं, रेवाड़ी में आए थे। देखिए मोहनलाल जी, इससे पहले जहाँ पे भी आए हैं, क्या आप ये उस दिन कहाँ चले गए थे जब इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था? क्या उस दिन ये प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? मतलब किसानों में मुख्यमंत्री या सरकार के प्रति इतना आक्रोश है कि वो चाहते ही नहीं है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। जब स्थिति इनके काबू में नहीं आ रही, स्थिति इनको संभल नहीं पा रही, तो ये जिले में या कहीं पर भी आकर क्या करेंगे? रेवाड़ी जिले में आए थे, क्या करके गए हैं? 5 वेंटिलेटर देके गए हैं। वो 5 वेंटिलेटर का फायदा क्या है, जबकि हमारे यहाँ पर ऑपरेटर भी नहीं है। आज रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी की हालात क्या है, दिन प्रतिदिन लोग अपने जान गंवानी पड़ रही है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि सोच के देखो, आज इस कोरोना की महामारी में आम आदमी या हर आदमी, जिसको हम ये कहते हैं कि आप अपने घर पे रहो, और किसान भाई जो आज भी सड़कों पर बैठे हैं, धरनों पर बैठे हैं, सोच के देखो, अपनी जान गंवाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी चीज नहीं है, उसके बावजूद वो धरनों पर बैठे हैं, तो सोच के देखो कि ये जो तीन काले कानून है, ये जान गंवाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो इन कानून को निरस्त कराने के लिए किसी भी बड़े से बड़ा त्याग करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये फसल के साथ नस्ल बचाने की लड़ाई है। जी जी जी, राजा राम जी, सुना आपने रजवंत जी को? सुना आपने के अब तो अपनी नस्ल बचाने की लड़ाई है, तो क्या कहेंगे, क्या मुख्यमंत्री जी को थोड़ा कैंसिल करना चाहिए था? किसानों की बात होनी चाहिए थी, सरकार कहती है कि बात एक मंच पे होनी चाहिए, क्या कोई एक कॉल आया अभी तक आप लोगों के पास? ऐसा है साहब, किसानों का जब तक मसला हल था, मुख्यमंत्री क्या हरियाणा के अंदर मंत्री या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कोई दौरा नहीं कर सकते, किसानों में बहुत रोष है। आज प्रधानमंत्री किसान निधि 2,000 बांट करके बाय बाय लेना चाहता और आगे भाषण देते हैं, ये पता नहीं इनको। आज अमेरिका से एक वो, हाँ हेलो, अमरी जी जी आ रही है? जी 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 जी, चलते रहिए, कंटिन्यू। अमेरिका से आज पेपर में आया था कि ये जो 4 लाख रोड के कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, 4 लाख नहीं है, 80 लाख आ रहे हैं हिंदुस्तान में, ये कह रहे हैं 2.5 लाख मर गए, 2.5 लाख नहीं मरे, वो कह रहे हैं
7.5 लाख लोग मर चुके हैं, देश बर्बादी की ओर जा रहा है, देश की हालत बहुत खराब है, देश बहुत बैक में चला गया है, लोग भूखमरे मरने लगे, भूखे के मरने लगे। ये कितनी किसान नीति लॉलीपॉप दे करके ये क्या चाहते हैं कि किसान है पीछे लग जाएंगे, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। खाद का गड्ढा तो 800 का था, 1800 कर दिया, और ये डीजल पेट्रोल कहाँ है, हाथ तीन चार तरह की। वो तो राजाराम जी कहते रहे, इसलिए तो सम्मान निधि दे रहे हैं आपको। हमारे पर सारे पैसे लगा लगा के किसानों के ऊपर सारा वजन डाल के उनको कोई 10-5% लोगों को 2-2 हजार रुपए बांट के, और क्या ये देश के किसानों को खींचना चाहते हैं? देश के किसान इनके साथ रहेंगे, साथ लगेंगे और ये दौरा करेंगे राजाराम जी। समय सिंह जी हमसे जुड़ गए हैं। समय सिंह जी सुन पा रहे मुझे? समय सिंह जी सुन पा रहे मुझे? हाँ जी सुन रहा हूँ मोहनलाल जी। क्या कहेंगे आज जो हिसार में जो किसानों को, अब तो किसानों पे जो हिसार में लाठी चार्ज हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? हमारे पास जानकारी है जी, हमने कल मना कर दिया था हिसार प्रशासन को कि मनोहरलाल कट्टर पाल हिसार में नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद जान बूझ के वो आया है। उसका वाला नहीं था, कॉन्ट्रेक्ट द्वारा भी उद्घाटन करना था, लेकिन वो जान बूझ का है। वहां पर हमारे 150 साथी फाइल हो गए और 150 को लगे गिरफ्तार कर लिए। हमारे जो हिसार का प्रधान है भारतीय किसान यूनियन चतुर्ण का, उसके पैर में बहुत भारी चोट लगी है। वो ये जान बूझ के कि वो दुष्यंत हो कि खट्टर हो, फीस मिटाने के लिए ये जान बूझ के हल्कों में आ रहे हैं, जिलों में आ रहे हैं। वो जहाँ रेवाड़ी में भी जब आया, जब गुपचुप तरीके से आया, और जो इतनी निकम्मी सरकार हो गई, अब ये बंगाल की हार का खींच मिटानी आती है। और तेलंगाना जो 150-150 प्रशासन अधिकारी इकट्ठे होते हैं, पुलिस इकट्ठी होती है, वहां कोरोना नहीं होता है, और किसानों को भयभीत करते हैं कोरोना के मामले में। और क्या होता को बीजेपी का प्रवक्ता बैठाता तो उनसे हम बात करते, अपनी बात तो डिबेट होगी, उसमें बीजेपी का प्रवक्ता होना चाहिए जब उससे हम जवाब मांगेंगे। हमने मांगा था, कोई हमने बोला था बीजेपी से कोई गाने को तैयार नहीं है। राजेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे अब, कोई इसका हल है कोई, किस तरीके से किसानों की बैठ के बात हो सरकार से, ये आंदोलन कब तक चलेगा? मैं एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ऑल इंडिया किसान खेल मुझे संगठन और एक आंदोलन में तमाम संगठनों के साथ मैं खुद हिस्सा लिया हूँ। सरकार किसानों से बात करना नहीं चाहिए, किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा हर समय सरकार से बात करने के लिए तैयार। नंबर दो बात, अगर हरियाणा कहीं ये सोचते हैं एक कोरोना की भयंकर महामारी है, वो चिट्ठी लिख करके उनसे ये मांग की जाए कि ये काले कानून और बिजली बिल को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, MSP कानून बनाया जाए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो सम्मान देने की बात, वो बात ऐसी है जैसे कोई आदमी धोती बांधे हुए हो, उसकी धोती खोल करके उस सिर के ऊपर पगड़ी बना दी जाए, धोती उसको नीचे पे नंगा कर दिया जाए। ये तो आजकल सोशल मीडिया पे आ रहा है लगातार, फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए, DAP खाद के दाम बढ़ाए, तमाम चीजों के दाम किसानों के बढ़ाए, किसानों की सब्सिडी कर दी, और फिर कुछ पैसा दे करके ये वाई लौटने का जो रास्ता लिया है, हर बार उसका एक ड्रामा किया गया है। ये एक सरकार टोटली किसान विरोधी है। हरियाणा और देश का किसान और मजदूर, आम आदमी, बुद्धिजीवी, वकील, तमाम लोग इसको समझ चुके हैं कि इस सरकार के पास फासिस्ट रवैया तानाशाही के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। परंतु इतिहास एक बात करता है, जनता की ताकत सरकार की ताकत से बड़ी होती है।
और जब जनता आंदोलन पर रहेगी इस सरकार को हर तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। और चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब सवाल ये उठता है राजा राम जी, सुन पा रहे मुझे? अब जो ये घटनाक्रम हुआ है हिसार में, इसको लेके क्या रणनीति कोई आप लोग बना रहे हैं? बात हो रही है आपके किसान नेताओं से, क्या कोई तैयारी आप लोगों को किया? बात करेंगे, इसकी रणनीति बनाएंगे, रणनीति बन जाएगी इमीडिएट। वहीं से हरियाणा के लोग ये टीकरी बॉर्डर और सिंह बॉर्डर और नजदीक वाले बॉर्डरों पे है, हमारे साथ भी है, सारे सब लोग मिलकर विचार करके आगे करेंगे। आने वाले समय के अंदर इनके मंत्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो भी कोई आएगा उनको किस तरीके से क्या कहना है। बाकी ये देश की पोजिशन बहुत खराब है, इनको जाना पड़ेगा। ये सरकार काबिल नहीं है, किसान विरोधी नहीं है, ये आरएसएस को मतलब आरएसएस को पूरे देश को आरएसएस में रोकने जाते हैं। हमारे 70% किसान है, 15% मध्यम वर्ग के व्यापारी, 85% लोग देश भारत के देश के किसान के साथ। जी 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 आ रहा हूँ समय सिंह जी, समय सिंह जी क्या कहेंगे? क्या रणनीति को बनाई आप लोगों ने? हमारी रणनीति चढ़ोली साहब हिसार पहुंच चुके हैं, उन्होंने चढ़ोली साहब सिंधु बोर्ड से हिसार पहुंच चुके हैं। कल हमारी संयुक्त मोर्चा की या परसों मीटिंग होगी, हमारे संयुक्त मोर्चा के साथी कॉमरेड सिंह यहाँ बैठे हैं, हम सारे मिलेंगे और सरकार के खिलाफ बिल्कुल बताएंगे। अब रेवाड़ी में भी हम सड़कों पर उतरेंगे, और जब लग ये काले कानून वापिस नहीं ले लेगी इनको एक और इनका घेरो विरोध करते रहेंगे। आप यूपी में भी है और हरियाणा में मोहनलाल जी ऐसे क्या नाम करती है, एक भी सीट बीजेपी की भविष्य में आने वाली नहीं है। और मैं बीजेपी के नेता थे, अपने एमपी एमएलए थे, कहता हूँ कि एक बात बोलो, वो बोलते क्यों नहीं बीजेपी के? मैं यही बात मोहनलाल जी कहना चाहता हूँ, हम 2-3 दिन में रणनीति बनाएंगे, सब मोर्चा दिवाली और सड़कों पर उतरेंगे। ठीक है आपकी आपकी बात सुनी मैंने रजवंत जी, आप जी आपने भी कोई तैयारी की है जो घटनाक्रम हुआ इसके बाद? देखिए आज का जो घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में बता चुके हैं, बाकी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि आगामी सरकार के खिलाफ क्या कार्य क्या कदम उठाए जाए। लेकिन आज की जो महामारी है इसमें आम आदमी को तो घर के अंदर कैद कर दिया, और आम आदमी के लिए जरूरी भी है कि वो अपने घर में रहकर अपनी सुरक्षा करे, सबसे पहले सुरक्षा है। लेकिन जो अगर किसान आज जो धरनों पर बैठे हैं, जो बॉर्डर पर बैठे हैं, तो अगर मुख्यमंत्री जी अगर किसी प्रकार से इनको कोरोना से मुक्त कराना चाहते हैं या कोरोना से बीमारी से इनको बचाना चाहते हैं, तो वो जिलों में जाने के बजाय एक बार इनमें धरनों पर जाए और धरनों पर जाकर किसान भाइयों से अपील करे कि भाई आपके जो काले कानून है इनको निरस्त कराने के लिए मैं हाईकमान से बात करूंगा, और फिलहाल आप धरने को निरस्त वो हटे। मतलब वो किसी तरह किसानों को प्रसन्न करके और हाईकमान से कानूनों को निरस्त कराने की बात करे। अगर वो इनको किसानों को कोरोना से बचाना चाहते हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि किसान धरने से उठ जाए और खुद बात करने के लिए कभी आगे नहीं आ रहे, अगर वो बात करने के लिए आगे आए तो निश्चित तौर पर किसान भी उनकी बातों को समझेंगे समझेंगे, वरना ये आज जरूरी नहीं है कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर और वहां पर धरने पर बैठे। एक बार ये बार बार कहते थे कि एक फोन की दूरी है, वो आज तक एक फोन नहीं हुआ इनका, वो एक फोन किसको करना जी? मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास 50 सेकंड का समय है, मैं 10 सेकंड चाहूंगा। आप राजेंद्र जी आप भी आपकी पार्टी से बात हो रही है, रणनीति आप बना रहे हैं जो ये घटनाक्रम? संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा, हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ जी ध्यान से साथ है और साथ रहेगा, और ये आंदोलन और भी आगे बढ़ेगा। आंदोलन नहीं संदेह, ये आंदोलन और भी तेज जाएगा। किसान संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 2 दिन होने वाली है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, और इस खट्टर को बीजेपी सरकार को इस प्रदेश से बाहर किया जाएगा, लोग इसकी तैयारी में लग चुके हैं। ठीक है, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो घटना क्रम जो हुआ है हिसाब में वो कहीं ना निंदनीय है कि किसानों में जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए बड़े स्तर पर, क्या क्यों ये हुआ है। फिलहाल आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के, तब तक के लिए नमस्कार।